That is the reason that you are saying things you cannot do that. And that is the reason that all seasons are available. Now, on the complete year, all seasons are available together. And that will be a great achievement for the people of Qatar and the same time. सर मैं नजमुल हसन नीलगढ़ का रहने वाला हूँ। तो जैसे ये सोजला टनल खुलेगा इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा सर, नहीं तो यहाँ पे 6 महीने के लिए रोड खुला हो जाता था और 6 महीने के लिए बंद रहते थे। तो ये टनल खुलने से लेह टू करगिल मतलब कनेक्ट हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदे भी होंगे, जैसे कि हर एक को, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लद्दाख करगिल हैं और श्रीनगर, जब ये कनेक्ट हो जाएंगे तो उनके लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे। ये तो यहाँ जैसे करगिल लद्दाख के लोगों को 6 महीने का पूरा राशन स्टॉक करना पड़ता था, अब ये टनल खुलने से उनको ऐसा नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, और यहाँ के जितने बेरोज़गार जवान हैं उनको रोज़गार भी मिलेंगे। जैसे कि आज सभी जानते हैं चीन और भारत का तनाव भी चल रहे हैं, तो ये टनल खोलने से फौज को भी बहुत सहूलियत मिलेंगे, कोई सामान ले जाने आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फौज के लिए तो बिल्कुल 100% ज़रूरी है, ये टनल खुलने से उनके लिए बिल्कुल आराम हो जाएंगे। बेसिकली 18 किलोमीटर का रोड और लगभग 11 किलोमीटर का टनल जो जिला में बनने जा रहा है, ये 6th time का टेंडर है। आप सब जानते हैं कि पहले तो टेंडर नहीं आ रहा था, अभी बीच में एक टेंडर आया, उसने थोड़ा बहुत काम भी शुरू किया लेकिन फाइनेंशियल हालात के चलते वो कर नहीं सका। गया नई जो कंपनी आई है वो डेफिनेटली इसमें काफ़ी महारत हासिल करती है, एक्सपीरियंस है उनको, मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है, December 24 तक इसका कंप्लीशन का प्रयास रहेगा, जल्दी से जल्दी उसको प्रयास करने के लिए जो कम्प्लीट। सबके जरिए से एक बताना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट आता है वहाँ वहाँ जो है कुछ एक लोग उसको ब्लैकमेल करने में उलझ जाते हैं, वो अगर कोई कहीं नहीं करेगा तो यहाँ के लोगों को ही बेनिफिट मिलेगा। ये कंपनी जो आई है बाहर से लेबर लाना और यहाँ रखने उनको महंगा पड़ता है, यहाँ का अगर आदमी लगेगा तो अपने घर में रहेगा और यहाँ काम करेगा, जस्ट उन्होंने देखना है कि काम से ताल्लुक रखना चाहिए, दूसरे चीजों से ताल्लुक रखेगा तो वो कंपनी अपना हिसाब से डिसाइड करेगी। हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसी को सपोर्ट करेंगे जो काम से काम रखता है, जो दूसरे चीजों में नहीं इन्वॉल्व होता है। अगर वैसे लोग है डेफिनेटली यहाँ जिसको मान लीजिए क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से वो यहाँ काम मजदूर मिलेगी। इवन जो झड़मोड़ टनल है उसमें भी जो है 80% लोग लोकल है। अब लोकल की डेफिनेशन आप डिफरेंट करते हो, लोकल मतलब नहीं है कि उसी विलेज का, लोकल मतलब जो है हमारे कश्मीर वादी का, ठीक है, मैक्सिमम जो है इधर से होगा। इवन कहीं अगर सराउंडिंग में गुल इनके गांधरबल में कोई अगर एलिजिबल यूथ है, टेक्निकल नॉलेज जानता है, जैसे भी या पोकलेन चलाता है उसको भी लगाएगी, वो भी लोकल ही है, वो थोड़ा बाहर का है, तो जो है काम से काम रखे डेफिनेटली यहाँ काम मिलेगा लोगों को। प्रयास है विंटर के दरमियान भी जारी रखने, एटलीस्ट मैक्सिमम पीरियड तक।